हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लास आज हम करेंगे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स ये ऑर्थ्रोबोड का ही एक टॉपिक है यू नो दैट मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स दे आर ओवी वी पेरिस ओवी वी ओ पेरिस इन दैट यू ऑल नो कि दे ऑल आर मोस्ट ऑफ देम आर एगलेइंग एक्सेप्ट स्कॉर्पियंस विच आर वीवी पेरिस अब सी वॉट हैपन्स इज दैट From egg comes out the young one, and this young one gets converted into adult. Now, this young one, this young stage comes in all the insects. This young one can be, you know, either same exactly similar to the adult one, or it can be different to the adult. So, depending on the type of young one uh, we have you know different types of transformation right this transformation is known as metamorphosis right so if uh, if you see that the process of transformation from a young one to an adult one is known as metamorphosis एंड सी मेटामॉर्फोसिस फीचर इन इंसेक्ट इज नॉट पिक्यूलियर टू इंसेक्ट्स ओनली जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ जैसे जो पॉरीफरन पौरिफर, थे जो स्पंजेस थे उनमें जो लार्वा था दैट वाज़ नोन एज एम्फी ब्लास्टूला इफ यू रिमेम्बर इसी तरह से सीलन ट्रेट्स में जो लार्वा था दैट वॉज प्लान्यूला और वॉ इसमें राउंड वर्म्स में यानी फ्लैट वर्म्स या राउंडेड वर्म्स में इफ़ यू सी पर्टिकुलर इन प्लेटिहेलमिंथस देर वर मल्टीपल स्टेजेस जैसे कि लिवर फ्लूग में मेरासीडियम लार्वा दैन फॉलोड बाई स्पोरोसट लार्वा फॉलोड बाई रीडिया सर्केरिया मेटासर्केरिया करेक्ट सो दीज आर मल्टीपल लार्वल स्टेजिज फाउंड इन प्लेटिहलमिंथस सेम वे इफ यू सी एनिलिड्स में भी हमने किया था ट्रोकोफोर लार्वा इंसेक्ट अभी हम कर ही रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा और इसी तरह जो मोलस्क है उसमें भी जो लार्वल स्टेज है दैट इज नोन एज ग्लॉकीडियम लार्वा बाई पिनेरिया लार्वा बोलते हैं बाई पिनेरिया लार्वा किस में अकाइनो डरमेटा में यानी कि जो लार्वल स्टेज है दैट इज इफ यू सी इज सीन इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट फाइलम राइट नाउ इफ यू सी दाय दिस प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज इफ यू सी वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लार्वल स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी लार्वा शोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इसका मतलब क्या हुआ कि जो लार्वल स्टेज है वो हमें बताता है कि हमारा जो इवोल्यूशन में किस फाइलम से क्या रिलेशनशिप है जैसे कि अगर आप देखा जाए टेडपोल लार्वा है तो किसका लार्वा है एम्फीबियन का पर कैरेक्टरिस्टिक इसके किससे मिलते हैं पाइसिस से मिलते हैं है। राइट इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्फीबियंस का इवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ फिशेज से हुआ पाइसिस से हुआ करेक्ट अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाम लार्वल स्टेज इज दैट समटाइम्स क्या होता है डिस्पर्सल समटाइम्स क्या होता है अडल्ट जो है वो सेडेंट्री होता है मूव नहीं करता है तो जो लार्वल स्टेज है वो क्या होती है अगर मोबाइल है तो इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पीशीज ऑल्सो लार्वल स्टेज थर्ड वो बेनिफिट या सिग्निफिकेंस क्या है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन कैसे मतलब मल्टीप्लीकेशन लार्वल स्टेज में कैसे जैसे मैंने अभी दिखाया था कि जो फ्लैट वर्म्स हैं उनमें जैसे मेरासिडियम लार्वा फॉर्म होता है मेरासिडियम लार्वा डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू प्रोड्यूस मैनी स्पोरोसिस्ट नाउ दिस स्पोरोस्ट मल्टीप्लाई मनी टाइम्स टू प्रोड्यूस रेडिया रेडिया राइज टू मैनी टाइम्स ऑफ सर्कियर यानी कि जो मल्टीपल लार्वा स्टेज है वो मल्टीपल नंबर ऑफ यंग वंस को इट गिव राइज टू मैनी नंबर ऑफ यंग वन तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ यंग वन इंक्रीज ड्यू टू दीज स्टेज तो इससे जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर राइट सो लार्बल स्टेज का जो सिग्निफिकेंस है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करता है डिसबर्सल एंड थर्ड वन इज़ मल्टीप्लीकेशन राइट नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड इन मेटामोरफोस इज टामॉर्फोसिस भी दो तरह का होता है एक होता है प्रोग्रेसिव मैटामॉरफोसिस एक होता है रिट्रोग्रेसिव जैसे कि नाम से ही पता चलता है प्रोग्रेसिव मैटामफोसिस में क्या होता है कि जो लार्वा स्टेज होती है ना वो सिंपल होती है और ये लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इटेज मैनी कॉम्पली इट टेड स्ट्रक्चर यानी कि कॉम्प्लीकेटेड स्ट्रक्चरस में लार्वा में ऐड होके जो है वो अडल्ट में बनता है तो जब एडिशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होता है तो हम उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस रिप्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है जो लार्वा होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे टेडपोल लार्वा उसमें गिल्स है क्योंकि वो एक्वेटिक है बट जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इट लूज गिल्स तो कंपेरेटिवली लार्वा जो है वो सिंपल होता है और एडल्ट uh, जो है सिंपल होता है तो इस तरह का मेटामोफोसिस जिसमें सर्टिन स्ट्रक्चर्स आर लॉस्ट इज नोन एज रिट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस जैसे हर्डमेनिया में भी अगर आप देखेंगे हार्डमेनिया के एक प्रोटोकॉर्डेट है उसमें जो लार्वल स्टेज है वो फिश लाइक है राइट वेर इज हर्डमेनिया सिंपल सेडेंट्री है और इट लुक्स लाइक पोटैटो or it, it attaches itself to certain surface so here hardmania also shows retrogressive metamorphosis correct now we come to the various types of depending on the type of young one metamorphosis is divided into various type the very first type of metamorphosis if you see is First type of metamorphosis is a metaboly a metaboly means no metamorphosis. Right. What does this mean? That if you see that uh Class insecta is divided into two subclasses. One is A. pterygota, another is pterygota. A. pterygota means those insects which do not have wings. So, these are wingless insects, pterygotes are winged insects, right? So, jo. ए टेरीगोड्स हैं वो ए मेटाबोली शो करते हैं यानी कि देर इज़ नो मेटामोफोसिस फॉर एग्जाम्पल ये है सिल्वर फिश राइट ये विच बिलोंग्स टू ऑर्डर थाइसेन्यूरा तो ये सिल्वर फिश है अब आप इसका यंग वन देखो नॉट दिस इज द यंग वन ऑफ सिल्वर फिश एंड दिस इज द अडल्ट सिल्वर फिश नॉट मच डिफरेंस इज देअर द ओनली डिफरेंस इज इट इज स्मॉलर इन साइज और इसकी बॉडी का जो काइटिनाइजेशन का, है वो कम हुआ है राइट

तीन स्टेजेस हैं एग है एग से जो है यंग वन है ज्वेनाइल है और जो है अडल्ट राइट right? जैसे ये कि ये ये अडल्ट है और ये कहाँ से अराइज हुआ है ये अराइज हुआ है ये ज्वेनाइल से एंड ज्वेनाइल हैज हैश्ड फ्रॉम द एग सो वेरी सिंपल लाइफ साइकिल इज देयर इन केस ऑफ ए मेटाबोली मेटाबोलस इंसेक्ट्स Now, next comes pterygoid, winged insects. If you see winged insects, they undergo various levels of metamorphosis. Right? These various level of metamorphosis will take one by one. The very first type of metamorphosis, if you see that this is cockroach. राइट इफ़ यू सी दिस इज एग ऑफ काक्रोच फ्रॉम द एग हैच इज आउट निम्फ इफ यू सी निम्फ इज इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अडल्ट बट आप देखो ये है ये डिफरेंट स्टेजे मैं टॉक दिस अबाउट दि स्टेजेटर और निम्फ जो है ऑलमोस्ट अडल्ट जैसा ही है द डिफरेंस क्या है कि देर आर नो विंग्स दिखाई दे रहा है विंग्स नहीं है विंग्स की जगह यहां पर क्या होते हैं दो विंग पैड्स होते हैं और वो विंग पैड्स बाद में वहां से जो है विंग्स ग्रो करते हैं नेक्स्ट डिफरेंसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसमें इतने वेल well डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है तो इस तरह आप देखो क्या होता है ये निम्फ जो है इट अंडरगोस मोल्टिंग टू बिकम अ लार्जर निम्फ दिस अगेन अंडरगो सेकेंड मोल्टिंग टू बिकम अ लार्जर निम्फ सो इस तरह का मेटामोफोसिस जिसमें कि यंग वन ग्रेजुअली ग्रो करता है उसको हम कहते हैं ग्रेजुअल मेटामोरफोसिस यानी कि नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामोरफोसिस क्या है ग्रेजुअल मेटामोरफोसिस जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है कॉकरोचेज uh, में या यू कैन से ग्रास ऑपर में राइट right? ये देखो ग्रास ऑपर में इफ यू सी दिस इज एग

दिस निम्फ अंडरगो मोल्टिंग यू कैन से फर्स्ट मोल्टिंग सो ये जो नेक्स्ट जो लार्जर लिम्फ बना इसको कहते हैं इंस्टार लार्वा राइट यानी कि नेक्स्ट मोल्टिंग के बाद फिर एक लार्जर लिम्फ बना इसको भी हम कहेंगे इंस्टार लार्वा यानी कि एक जो निम्फ है अंडरगोज वेरियस इंस्टार लार्वा स्टेज टू रीच द अडल्ट यानी कि दो मोल्टिंग के बीच की जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं इंस्टार इंस्टार कई कई जगह इंस्टार लार्वा वर्ड भी यूज़ किया जाता है करेक्ट सो so, इस तरह जो है अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअल मेटामोसिस में जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं पहला जो है वो एग है देन निम्फ ये जो निम्फ है ये जो इट अंडरगोज वेरियस स्टेजेस ऑफ मोल्टिंग आफ्टर दैट इट रीचेज द अडल्ट स्टेज एडल्ट को इमेगो भी कहते हैं करेक्ट नाउ वी कम मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामोफोसिस दैट इज थर्ड टाइप ऑफ मेटामोरफोसिस जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस को हम हेमी मेटाबोलस भी कहते हैं ग्रेजुअल को हम कहते हैं पोरा मैटाबोली पौरोटाबोली और इनकम्प्लीट मैटामोरफोसिस का जो दूसरा नाम है वो वो है हेमी मैटाबोलस इसका मतलब क्या हुआ कि मेटामॉर्फोस तो हो रहा है चेंज तो हो रहा है बट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि जो निम्फ है वो अडल्ट से डिफरेंट तो है बट इतना डिफरेंट भी नहीं है कि हम ये कहें ये एकदम अलग इंडिविजुअल लग रहा है ये अलग इंडिविजुअल लग रहा है नो no. यानी कि हम जो है निम्फ को या लार्वा जो भी इसकी स्टेज है हम निम्फ नहीं बोलेंगे लार्वा बोलेंगे लार्वा जो है वो जो है हैबिट uh, में डिफरेंट होगा हैबिटेट में डिफरेंट होगा बट समवेयर वी कैन मेक आउट हम लार्वा को देख के थोड़ा बहुत उसको अडल्ट के साथ रिजेंबल कर लेते हैं जिसका जैसे फॉर बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है ये है देखो ये है डैम्सल फ्लाई कल दिखा था ना ये देखो अडल्ट है डैम्सल फ्लाई का और ये देखो ये यंग वन है डैम्सल फ्लाई का तो अब आप देखो क्या फ़र्क है इसमें और उसमें इस देखो इसमें विंग्स बहुत वेल डेवलप्ड थे इसमें जो है विंग्स इतने वेल डेवलप नहीं है विंग पैड है दूसरा ये जो डेम्सल फ्लाई है ये क्या है टेरिस्ट्रियल uh, है यानी इट इट शोज ट्रेक्यूल रेस्पिरेशन जबकि डेम्सल फ्लाई ये जो लार्वा है डेम्सल फ्लाई का ये एक्वेटिक है इट हैज गॉट गिल्स इफ यू सी फॉर रेस्पिरेशन राइट सो इस स्टेज में क्या होता है कि uh, जो यंग वन है इट अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंज टू रिजेंबल द ंग वन सो सच टाइप ऑफ मैटामफोसिस इज नोन एज इनकम्प्लीट मैटामफोसिस या हेमी मेटाबोलस जैसे आप ये देखो स्ट्रक्चर ये देखो ये जो है दे, इसका डैमसल फ्लाई का डाइग्राम है लार्वा का और इसके यंग वन को लार्वा ना कह के नायड कहते हैं नायड एन ए आई ए डी नायड राइट सो so, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर देखो विंग्स की जगह क्या है विंग्स विंग पैड है कॉर्डल एरिया में गिल्स हैं राइट हाँ प्रो लेग मीजो लेग मेटल एग थ्री पेयर ऑफ लेग्स आर डेवलप्ड ये देखो एबडोमिन है सो यू कैन मेक आउट कि ये जो है समवेयर यंग वन है डैमसल फ्लाई का हालांकि अगर आप इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखें वो काफ़ी डिफरेंट है राइट नाउ थर्ड टाइप ऑफ मेटामोरफोसिस इफ यू सी दैट इज जिसमें कि कंप्लीट मेटामोफोसिस होता है यानी कि जो यंग वन होता है वो अडल्ट से एकदम ही अलग होता है इस तरह के मेटामोरफोसिस को बोलेंगे हॉलो मैटाबोली यहाँ पे जो यंग अच्छा वा, वन वा, मोर थिंग यहाँ पे इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस में जो स्टेजेस है वो क्या होंगी एग होगा एग से नायड होगा और नायड से अडल्ट होगा राइट नाउ हेयर इफ़ यू सी इन केस ऑफ कंप्लीट मेटामोफोसिस देखो ये जो है मतलब ये बहुत कॉमन है इसमें कम्प्लीट मेटामो बटरफ्लाइज में मॉथ uh, में हाउस फ्लाई में मॉस्किटोज़ में बीटल्स में बीज में, में इन सब में ये काफ़ी कॉमन है ये देखो हमने एक बटरफ्लाई का एग्जाम्पल ले रखा है ये एग है एग हैच होके है क्या बनाएगा कैटरपिलर बनाएगा दिस कैटरपिलर इफ़ यू सी अब आप एक ये देखो डायग्राम देखो इस कैटरपिलर का, में आइज़ हैं जॉज है थोरेसिक लेग्स हैं बट एबडोमिन में जो लेग्स हैं दे आर प्रो लेग्स दे आर नॉट द थोरेसिक लेग्स लाइक दिस राइट दे आर जस्ट प्रोट्यूबरेंसेज ये देखो ये तो जॉइंटेड लेग्स हैं दिज आर जस्ट प्रोट्यूबरेंसेज जिसको हम प्रो लेग्स बोलते हैं नौ दिस लार्वा ये जो लार्वा है ये एकदम वोरेशियसली फीड करता है वो रेशियसली फीड मतलब ये जो कुछ सामने आ जाए उस पर यू नो लगातार फीड करता रहता है और ये फीड किस लिए करता है स्टोर करने के लिए बिकॉज जो नेक्स्ट स्टेज है लार्वा वाली वो एकदम ही एक तरह से डॉर्मेंट स्टेज है बहुत ही इनएक्टिव स्टेज है इनएक्टिव स्टेज का मतलब ये है कि ये जो कैटरपिलर है कई जो नेक्स्ट स्टेज है वो अपने आप को अटैच कर लेगी किसी ऐसी ट्री पर या सॉइल के नीचे जहाँ पर वो मूव नहीं करते और ये जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है तो इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा कैटरपिलर के बाद कौन क्या बन रहा है प्यूपा और ये प्यूपा जो है अब आप देखो जो कवर्ड है इस कवरिंग को बोलेंगे कुकून तो अंदर जो है क्या है प्यूपा है प्यूपा के ऊपर जो है ककून है और ये जो कुकून है इट लुक्स एज इफ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा बट इनफैक्ट अंदर जो है बहुत डेवलपमेंट हो रहा है क्या होता है कि जो कैटरपिलर के, के जो सेल्स हैं जो कि अब यू नो दे हैव बिन डीग्रेडिड और वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को कहते हैं इमेजिनल डिस्क और ये इमेजिनल डिस्क यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ये जो है फर्दर अडल्ट को फॉर्म करने में ये जो है प्यूपा स्टेज यूज़ करती है राइट सो इफ यू सी लेटर ऑन जब एडल्ट अंदर बन जाता है तो ये जो कुकून है इट इज़ लेटर ऑन ब्रोकन डाउन एंड फ्रॉम दैट इमर्ज द एडल्ट। करेक्ट। नाउ इस तरह इफ़ यू सी इन ये देखो ये इन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि एग्स से हैच होके कैटरपिलर इमर्ज हुआ कैटरपिलर से क्या हुआ प्यूपा बना राइट right, प्य और क्राइसैलिस जो है इज़ अनदर नेम फॉर प्यूपा बटरफ्लाई में उसको क्राइसैलिस बोलते हैं और ये प्यूपा इफ़ यू सी प्यूपा में आप देखो धीरे धीरे जो है एडल्ट के स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए हेड बनना शुरू हो गया कंपाउंड आइज एंटीना सब यू नो प्री फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बनते हैं और जब पूरी तरह कोकून से इमर्ज होकर आता है तो ये इमेगोया अडल्ट बनता है विच इज़ गॉट वन पेयर ऑफ एंटीना आइज़ विंग्स एंड अगेन द अडल्ट यू नो ले Down eggs for further perpetuation of the generation. Right now this way if you see that देखो ये बहुत ही ऐसे डिपिक्ट बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया कि ये देखो यहाँ पे एग्स लेके हुए और फ्रॉम द एग्स इमर्जेज आउट कैटरपिलर अब कैटरपिलर के कहता क्या होता है आप मेरे एक सेफ जगह ढूंढता है जैसे ब्रांचेस है या सॉइल है और वहाँ पर धीरे धीरे अब आप देखो अपने ऊपर ये कुकून बना रहा है और अपने आप को कुकून जो है पूरा फुली फॉर्म कुकून बन जाता है और अंदर क्या होता है प्यूपा होता है या क्राइसैलिस होता है और धीरे धीरे अगर आप देखो अंदर जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है फ्रॉम इमेजिनल डिस्क से और उन इमेजिनल डिस्क से धीरे धीरे फुल फ्लैजड बटरफ्लाई बनती है एंड दिस अगेन दिस बटरफ्लाई विल ले एक्सपॉर फर्दर यू नो टू कंप्लीट द साइकिल राइट सो so, अगर आप देखो तो हमने अब आज जो है जस्ट जस्ट में मेटामॉर्फोसिस में इंसेक्ट्स में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस आर देयर ए मेटाबॉली जिसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है मेटाबॉली जो कि ग्रेजुअल मेटाबॉलिज्म है मेटामॉर्फोसिस uh, है देन देर इज इनकम्प्लीट यानी कि हैमी मैटाबोली देन देर इज कंप्लीट मैटामॉर्फोसिस जिसको हमने कहा हॉलो मैटाबोली दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच